गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं इसी रूम में रहता हूँ, यहाँ सामने वाले रूम में, और ये मेरा बिल्डिंग है। ये सीढ़ी जाते हैं वही की तरफ। आज का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट फिर से यही केला है, ये खाया हूँ बचा हुआ। और केला खाने के बाद फिर इडली सांभर खाने चलते हैं, जो कि यहाँ का साउथ इंडिया का फेमस ब्रेकफास्ट है। सो गाइस, ये चंद्रा पटना का चौक है और चौक कुछ इस तरह का, देख लो। इधर मैं बस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए आया था, तो सोचा आपको ही दिखा दूँ कि यहाँ का चौक कैसा लगता है। और ये कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक अनुमंडल है जो प्रखंड होता है ना वो, और उसके बावजूद इतना डेवलप है। साउथ इंडिया में जो है सिटी काफ़ी डेवलप है, यहाँ के लोग वेल एजुकेटेड हैं और यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा चलता है। कन्नड़ कर्नाटक है ना, इस वजह से। मैं काम पे आया था तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहाँ का इडली खाने जा रहे हैं, मेरा इडली, और इसे मैं खा रहा हूँ। तो नाश्ता करके फिर से अपने काम पे आ चुका हूँ, और ये रहा मेरा काम का टूल्स वगैरह। तो चले काम से। तो गाइस, ये ग्राइंडर मशीन है, जोड़ा हुआ काटते हैं इसको। मैं आज पहली बार यूज करने जा रहा हूँ, तो डर लग रहा है। ये जगह पे ही मसाला बनाओ और वहीं पर थपथपा के, और उसके बाद काम कर दो। ज़्यादा कोई दूर से मसाला लाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे काम हो जाता है एक ही साथ। तो ऐसा स्मार्ट वर्क, कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, दूर से मसाला ला के बना कर फिर यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मसाला डालो, यहीं पे सीमेंट डालो, पानी डालो, थपथपा दो, हो गया काम खल्लास। मसाला बनाएगा पूरा पीस से होगा ना। हाँ, रात का 7 बजे अब तक काम चल रहा है, देख लो कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ आजकल मैं। और ये मेरा भाई है, सलाम भाई, कैसा लग रहा है भाई? मस्त है, मस्त, मज़ा आ रहा है। बस चल रहा है, मैं बहुत मेहनत चल रहा है, हालत खराब है काम करके, बट ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये देख लो गाइस, कितना हार्ड वर्क चल रहा है, लेबर के लाइफ कितना हार्ड वर्क होता है। अभी रात के 8 बजे फिर भी भाई काम कर रहा है।
रात का 8 बज गया, अब तक काम चला है। इलेक्ट्रीशियन भाई है वो भी काम कर रहे हैं, और वहाँ पर वो वॉल पुट्टी, दीवार की वॉल पुट्टी पीओपी कर रहे हैं भाई। कितना हार्ड वर्क चल रहा है, ओ माय गॉड, 8 बज गया अब तक काम चल रहा है, कितना हार्ड वर्क सच में। और भाई क्या हाल है? सो ये रही लाइफ, कुछ ऐसे काम चलता रहता है रात में भी। रात का 8 बजे है गाइस, फिर भी काम कर रहे हैं, लेबर की जिंदगी ऐसी होती है कुछ। ये है भाई भी अपना काम कर रहा है। और भाई क्या हाल है, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। देख लो भाई कितना मेहनत कर रहा, रात के 8 बजे अब तक भाई मेहनत कर रहा है। कब जाओगे भाई घर? 12 बजे। ओ माय गॉड, कितना मेहनत कर रहा है भाई, डबल काम कर रहे हो। हाँ अच्छा है भाई, इतना मेहनत कर रहा है, अब तो हम निकल रहे यार, बहुत टाइम हो गया। चलो भाई गुड नाइट। सो गाइस अभी तो हम निकलने वाले, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। गाइस देख लो कैसी हालत हो गई मेरी ये, अब मैं लेबर मजदूर का काम कर रहा हूँ आजकल, और रात का 8 बज गया। अभी मैं देख लो जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, बहुत तेज भूख लगी है, और लेबर का काम इतना काम हार्ड है, पता नहीं लोग कैसे करते हैं, बहुत बहुत ही हार्ड, बहुत मुश्किल काम है यार, पता नहीं कैसे कर लेते, मुझे तो समझ नहीं आता। अभी 2-3 दिन हुआ है काम करते हुए, मेरी तो पूरा बॉडी एकदम टूटता है, बहुत हालत ख़राब रहता है एकदम, क्या होता है जाते ही बेड पर पड़ जाता हूँ, एकदम खाना खाते ही पड़ जाता हूँ, इतना ज़्यादा हालत ख़राब रहता है गाय, इतना हार्ड वर्क है ये लेबर का काम, बहुत हार्ड वर्क है। देख लो कैसी हालत है मेरी, पूरा हाथ देख लो गाइस, हाथ कैसा हो गया मेरा, बहुत मेहनत करना पड़ रहा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है गाइस। सो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लेबर देखे तो दिखे तो आप लोग उनसे रिस्पेक्ट करो, और जितना भी हो सके जैसा भी हो सके आप उन्हें सपोर्ट करो और अप्रिसिएट करो और उन्हें हेल्प करो गाइस। सो कुछ ऐसा सीन है, देख लो, देख सकते हो अभी मैं जो हूँ लेबर क्लास ही बना हूँ, लेबर का ही काम कर रहा हूँ गाइस, बिल्कुल मुझे एसी का नॉलेज जीरो, एकदम जीरो गाइस, मैं काम कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ डेली डेली, कुछ नया सीख रहा हूँ, और अभी मैं बहुत तेज़ भूख लगी, जा रहा हूँ होटल में खाना खाने। आ जाओ भाई, सलाम भाई, आ जाओ साथ साथ। और ये भी चौक है, चौक पे मैं वीडियो बना रहा था, देख सकते हो, पता नहीं वीडियो कैसा आ रहा होगा, तो ठीक है, जा रहा अभी होटल में खाना खाने, आ जाओ भाई। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर रात में काम करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद बढ़िया खाना मिल जाना मज़ा ही आ जाता है। अभी एकदम मुँह लुस पसा रहा है, कुछ चटर पटर बढ़िया सा खाना खाने के लिए, तो ये लुस पसा रहा है, जब मुँह जुबान लुस पसा रहा है उसको पूरी की जाए, और जाता हूँ बढ़िया सा खाना खाता हूँ। तो मॉडल को प्रो आ जाओ, अभी मून है, मून नाइट है, और जा रहा हूँ मैं अभी होटल में खाना खाने के लिए, बस स्टैंड पे काफ़ी दूर है यहाँ से, बट अभी चलते हुए जा रहा हूँ। ज़िंदगी कुछ ऐसी कट रही है गाइस, बहुत मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है, स्ट्रगल लाइफ चला, काम कर रहे हैं, दबा के मेहनत कर रहे हैं, कुछ हासिल करना पाना है, बस आप लोग सपोर्ट करो, दुआ करो, और इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर कामयाब बनेंगे, और मेहनत तो कर ही रहा हूँ, बस आप लोग की थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने सभी दोस्तों पास शेयर करो। सलाम भाई बताएंगे क्या कहें, सलाम भाई बताओ क्या खाओगे, जो बोलेगे वही खिलाएंगे। बिरयानी, बिरयानी दे दो, 2 प्लेट बिरयानी दे दो भाई। अभी काम करके जस्ट मैं आया हूँ मदीना होटल में, और यहाँ पे मैं बिरयानी खाऊंगा। होटल कुछ यूँ दिखता है, और बिरयानी खा के देखते हैं यहाँ पर कि कैसा टेस्ट है। ओ ये रहा मेरा चिकन बिरयानी, वाओ कैसा लग रहा है, सलाम भाई कैसा लग रहा है, वाओ ओ माय गुडनेस। ये होटल कुछ यूँ है गाइस, ठीक है बस ठीक ही है, ओके ठीक ठाक ही है गाइस, कुछ खास नहीं है, बस ठीक ठाक है। सो गाइस बिरयानी तो फिनिश कर दिया हमें, बट मैं सच बोलूँ तो टेस्टी नहीं था, बेकार था, सॉरी बट सच में टेस्ट नहीं था यार, भूख बहुत तेज़ लगी थी इसकी वजह से खा ली है, और खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सी पीने जा रहा हूँ। ये देख लो रायता भी है, रायता इतना बेकार प्याज मांग रहा है, बेकार था,
होटल तो बहुत बढ़िया बनाया गया है, होटल बहुत अच्छा लेकिन टेस्ट नहीं है बिल्कुल, मज़ा नहीं है, पैसा वेस्ट। एनीवे ये बढ़िया जो भी था, शुक्र अल्लाह, थैंक यू बहुत, आपने हमें इतना अच्छा खाना नसीब अता फरमाया। और इसे पीते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, इस तरह मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।